आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का राशिफल। मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज का संपूर्ण राशिफल लेकर। ये संपूर्ण राशिफल है बुधवार यानी कि 29 मई 2024 का। अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, जो कि दिन के 12:55 तक रहने वाला है। तदुपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज का श्रवण रहने वाला है सुबह के 8:23 तक। तदुपरांत धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। व्रत त्यौहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है, एक एक मुहूर्त को जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में आज के धर्म शिक्षा पंचांग का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विस्तारपूर्वक जान सकते हैं, एक एक मुहूर्त को जान सकते हैं। आज के संपूर्ण राशिफल के वीडियो को हम जाने इससे पहले आइए एक नज़र डालें आज के ग्रहों की स्थिति पर, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही पूरा राशिफल निर्भर करता है। आज बुध मेष राशि में, शुक्र सूर्य गुरु तीनों के साथ वृष राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मंगल के साथ मीन राशि में विराजित है। मकर राशि में चंद्रमा रात्रि के 7:41 तक रहने वाले हैं। तदुपरांत चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाएगा। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिलाद लहाल आज के राशिफल में। आइए हम जानते हैं, बात करेंगे पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में चंद्रमा आज 10वें स्थान में विराजित हैं, जिसके फलस्वरूप आज आपके कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रोत्साहन मिल सकता है। अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अपने घर के कार्यों में आज आप व्यस्त रह सकते हैं। भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, लेकिन संतान के तरफ से थोड़ी चिंता भी आपको आज रह सकती है, तो अपने संतान का ध्यान रखें। आज घर में कलह का माहौल भी बन सकता है। आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, परंतु पिता के स्वास्थ्य से थोड़ा चिंतित भी रह सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो आज आप में आत्मविश्वास भरपूर होने के कारण आप मानसिक तौर पर मजबूत नजर आएंगे, जिसका फायदा आपको भी व्यापार में मिलेगा। जो तक नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने सहकर्मियों से चुनौती मिल सकती है। आज आपके खर्च ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी की बात करें तो आज आपके मित्र आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकते हैं। मोबाइल फोन में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। कोई पुरानी बीमारी आपको आज परेशान कर सकती है। कुछ जातकों को जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है, तो हल्का व्यायाम करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आज आप समय बिता पाएंगे, साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है। आज के दिन उड़द की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग फिरोजी रंग, लकी नंबर 8 रहने वाला है। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा 9वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे ढंग से रख पाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपके चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उसका भरपूर लाभ भी आपको मिलेगा। आपके संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई पुराना फंसा हुआ रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है। आज सरकारी कार्यों से आपको लाभ भी मिलेगा। आज आपको आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आप मानसिक शांति का अनुभव भी करेंगे, लेकिन कुछ जातक किसी अज्ञात भय से आज परेशान भी रह सकते हैं। बात करेंगे व्यापार और धन की। चाहे आप व्यापार करते हों या जॉब करते हों, आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, किसी करीबी मित्र या सगे संबंधियों की मदद से आपके व्यापार में आपको लाभ होगा। आज आपके व्यापारिक प्रतिद्वंदी आपको व्यापार में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जिन जातकों को मकान या गाड़ी की तलाश है, उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। आपके ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिल सकती है। आज स्वास्थ्य की बात करें, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। मानसिक शांति का अनुभव भी करेंगे। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं। अपने आप को ऊंचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिश तो भूल कर भी ना करें, इससे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिन अविवाहित जातकों को साथी की तलाश है उनकी खोज भी आज पूरी हो सकती है। आज के दूध या दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग खाकी कलर, लकी नंबर रहेगा 6। बात करेंगे मिथुन राशि की।
मिथुन राशि में चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको परिवारजनों का साथ मिलेगा, खास करके बड़े भाई बहनों से। माता पिता से भी आपको आर्थिक सहयोग मिल सकता है। परिवार में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा, जिसके फलस्वरूप घर में सकारात्मकता भी रहेगी। लेकिन आज आपके लिए लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, तो आपको सबसे अच्छे संबंध बना के रखने होंगे, खास करके सगे संबंधियों से, पड़ोसियों से। किन्हीं किन्हीं जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी आज मिल सकता है, लेकिन किसी नए पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच जरूर करें। आज आपके जिद्दी रवैये की वजह से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, तो कल्पनाओं के पीछे ना दौड़ें, सोच समझकर काम करें। आज अपने पिता और धर्मगुरु की सलाह से किसी कार्य को करेंगे आप, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार और धन की बात करें, आज आपको व्यापार में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस चुनौती से घबराएं नहीं, बल्कि इसका सामना डटकर करें। आज किसी से पैसे उधार लेने से बिल्कुल बचें। आज कर्ज लिए गए पैसे आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे। जो यहाँ तक नौकरी कर रहे हैं, उनके सहकर्मियों के साथ उनके संबंध बिगड़ सकते हैं। आज आपके सहकर्मी आपके बड़े प्रतिद्वंदी साबित हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने सीनियर के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें। आज आपके खर्चों में वृद्धि भी होगी। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। अपने समय को बर्बाद करने से बचें। समय का एक एक पल महत्वपूर्ण है, उस पल का लाभ जो उठावें। अभी अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर लगावें। स्वास्थ्य की बात करें, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का फिर भी ध्यान रखना चाहिए। तले भुने और मसालेदार खानों से दूर रहना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें, तो जीवन साथी से हल्की नोकझोंक के बाद अच्छे संबंध भी बनेंगे। आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है, लेकिन पार्टनर का चुनाव करने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। प्यार के इजहार करने से भी आपको आज बचना चाहिए। आज के दिन अगर गुड़ अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करेंगे आप, तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग हरा रंग, लकी नंबर रहने वाला 3। बात करेंगे आप कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा सातवें स्थान में विराजित हैं, जिसके प्रसुप आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे। आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। किसी मायने में आज के दिन आपकी चुनौतियों से भरा लेकिन रह सकता है। आज अगर आपको जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, तो किसी अनुभवी लोग की सलाह जोड़ लें। आज आपके मन में कोई नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं, जिससे आपका कार्य भी प्रभावित हो सकता है। आज आपकी बोली गई बातों को आपके प्रतिद्वंदियों द्वारा तोड़ मोड़ कर पेश किया जा सकता है, तो कुछ भी बोलते समय सावधानी जरूर बरतें। किन्हीं किन्हीं जातकों के उनके पिता के साथ आज संबंध बिगड़ सकते हैं, तो यहाँ पर सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अगर आज के दिन घर में अपने बड़े का आशीर्वाद के लेकर किसी काम के लिए आप निकलेंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा। व्यापार और धन की बात करें, तो व्यापार की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो जातक व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में लाभ हो सकता है। समान व्यापारियों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आवश्यकता होने पर आपके भाई बहनों से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में सहकर्मी और सीनियर के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थी की बात करें, आज आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। किन्हीं किन्हीं जातकों को किसी प्रकार की चिंता आज रह सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। प्रेम संबंध की बात करें, विवाहित जातकों को आज जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जो जातक अविवाहित हैं, उन्हें कोई नया पार्टनर भी आज मिल सकता है। आज के तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग सुनहरा रंग, लकी नंबर 7 रहने वाला है। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा छठे स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुप आज आपके कार्यों की अधिकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपका परिवर्तन का मन भी हो सकता है। आज आप अपनी वाणी की मधुरता से बहुत सारे कार्यों को निपटा सकते हैं। अगर आज के दिन अपनी वाणी पे अंकुश नहीं लगाएंगे, तो आपके बहुत सारे लोगों के आक्रोश का सामना आपको करना पड़ सकता है। शासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है। आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर कुछ नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। मन में किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। व्यापार और धन की बात करें, तो अगर कहीं आपके पैसे बकाया हैं, तो वहां से पैसे वसूली की पूरी संभावना बन रही है। पिछले कर्ज को आप चुका पाएंगे। व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है, तो उसे खत्म करना अब अति आवश्यक हो गया है। इससे वरना बहुत ज्यादा हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। विद्यार्थी की बात करें, तो आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा, लेकिन सफलता की प्राप्ति के लिए
इतनी मेहनत पर्याप्त नहीं है, आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। स्वास्थ्य की बात करें, जिन जातकों को जोड़ों का दर्द या गठिया से संबंधित समस्या रहती है, उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आज आपको तनावपूर्ण वातावरण में रहने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। प्रेम संबंध की बात करें, आज आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी को समय दें और उसे समझें, इससे प्रेम संबंध में नई ऊर्जा का संचार भी होगा। लेकिन प्रेम संबंधों में सोच समझकर आगे बढ़ें, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके प्रेम संबंध में दरार उत्पन्न ना होने दें। आज के गेहूं से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग ब्राउन कलर, लकी नंबर रहने वाला 4। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि में चंद्रमा 5वें स्थान में विराजित हैं, जिसके फलस्वरूप आज आपको कई प्रकार के परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आज अपनी माता के साथ कुछ समय जरूर बिताएं और उनकी मन स्थिति को समझें, इससे आपको असीम मन की शांति प्राप्त होगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल पक्ष से किसी के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आज आपको आपके बच्चों की पढ़ाई में रुचि लेनी चाहिए और बच्चों को उनके रुचि के प्रति ही करियर के प्रति प्रेरित करें। व्यापार और धन की बात करें, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसका फायदा आपको भी व्यापार में मिलेगा। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन का दान जरूर करें। नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। नौकरी में परिवर्तन का मन आपका हो सकता है। कुछ जातकों को सट्टेबाजी साथ लाभ भी हो सकता है। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों का मन आज चंचल रहेगा। आपने आपको सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से थोड़ा दूर रखें। अब आपको अपने कैरियर के प्रति सचेत भी हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको किसी प्रकार की चिंता रह सकती है, मन अशांत भी रहेगा। जो जातक पहले से बीमार हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें, आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे। जीवन साथी पर किसी प्रकार का शक करने से पहले सच्चाई को जानने की कोशिश करें। अगर आप लंबे समय से प्यार की झार की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आज की हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग हरा रंग, लकी नंबर 6 रहने वाला है। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में चंद्रमा आज 4थे स्थान में विराजित हैं, जिसके फलस्वरूप आज आप किसी पर भी अपनी बातें थोपने की कोशिश ना करें। आपको यहां से नुकसान हो सकता है। अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बना के रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। उनसे लड़ाई झगड़े की संभावना बन रही है। शांति से अगर काम लेंगे तो आपके बहुत सारे कार्य बन भी सकते हैं। अपने लग्न और आत्मविश्वास से आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जो तक मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज के अच्छा रहने वाला है। व्यापार और धन की बात करें, आज आप अपने साहस और पराक्रम के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में स्थिति को सुधार सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। यश और कीर्ति में वृद्धि भी होगी। आपके व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा। अपने काम पर फोकस रहें, इससे आपको फायदा होगा। नौकरी करने वाले जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से आज मतभेद बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सावधानी निश्चित तौर पर रखनी चाहिए। अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। विद्यार्थी की बात करें तो आज विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तो डटकर मेहनत करें, सफलता इसी से मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें, जिन जातकों को जोड़ों का दर्द रहता है, उन्हें आज परेशानी हो सकती है। आज आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। व्यायाम करें, योग करें, इससे आपको स्वास्थ्य में फायदा होगा। प्रेम संबंध की बात करें, आज आपके जीवन साथी के साथ दूसरे की वजह से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा सोचने से पहले बातों को गहराई से जरूर जानें। आज के दिन मसूर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग केसरिया रंग, लकी नंबर 8 रहने वाला है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में चंद्रमा 3रे स्थान में विराजित हैं, जिसके प्रसव आज आपको आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद जरूर करें, इससे आपको भी जीवन में फायदा होगा। आपके पिता या उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी। मन में नए नए विचार आएंगे, इन विचारों को सहेज कर अपने जीवन में आगे बढ़ें। स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी उठा पाएंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के या धार्मिक कार्य करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज किसी गलतफहमी के कारण आपके और आपके प्रियजनों के बीच लड़ाई हो सकती है, तो यहाँ पर सावधानी भी रखें। व्यापार और धन की बात करें, आज आपको आपके करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। आज आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। परिवार के किसी व्यक्ति से आपको धन लाभ भी हो सकता है। जो जातक नौकरी करते हैं,
उनको ऑफिस में ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो उनके दोस्त तो हैं लेकिन उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन मिलाला रहने वाला है। पढ़ाई से मन आपका भटक सकता है, ऐसे में अपने लक्ष्य का ध्यान करेंगे तो आपको फायदा होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, चुस्ती और फुर्ती का अनुभव करेंगे, लेकिन आपको मौसमी बीमारियों से आज सचेत भी रहना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें तो आज आप जीवन साथी के साथ समय बिताएं, इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस होगा। आज के दिन चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग लकी नंबर 2 रहने वाला है। बात करेंगे धनुराशि की। धनुराशि में चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप आज आपका मन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा, लेकिन मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी लेकिन उन परेशानियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। कुछ नए विचार आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज अगर किसी की मदद करते हैं तो उसका फायदा आपको भी कहीं ना कहीं मिलेगा। बिना जांच पड़ताल के किसी व्यवसाय या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर तो बिल्कुल भी ना करें, इससे आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें आज आप व्यापार में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार में जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज दिन अच्छा रहने वाला है। आपके सीनियर या बॉस आपके कार्य से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने बॉस के सामने खुद की पैरवी ना करें, इससे आप निगेटिव में जा सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दें। स्वास्थ्य की बात करें आज आपको मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्कता रखनी चाहिए। आपके शारीरिक और मानसिक बीमारी की जड़ आज आपका दुख हो सकता है। व्यायाम करें, खुली हवा में टहलें, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें अपनी बातें अपने जीवन साथी पर थोपने से आज कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने जीवन साथी को बराबर का अधिकार दें, इससे आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। आज की हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग आसमानी रंग लकी नंबर 12 रहने वाला है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि में चंद्रमा प्रथम स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप आज आपको आपके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा। आज कोई भी निर्णय भावुकतावश ना लें, ऐसे निर्णयों से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। आपको आज भाग्य का साथ भी मिलेगा। परिवार के किन्हीं दो सदस्यों के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है। अगर आज पूरे परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य को आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपको आपके सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रहे वह आपके काम का क्रेडिट भी लेने का प्रयास करेंगे। आज किसी सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, सच्चाई को परखें तभी आगे बढ़ें। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापारियों को आज कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। किसी अचानक से आई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इसके लिए पहले से ही सचेत रहें। अगर कहीं निवेश करने का मन बना रहे हैं तो एक बार अनुभवी लोगों की सलाह जोड़ लें। कर्ज लेने से बिल्कुल बचें। विद्यार्थी की बात करें आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए अच्छी योजना बनाकर कड़ी मेहनत करें, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिन जातकों को हाई या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वह आज अच्छा महसूस करेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो आज आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोकझोंक भी हो सकती है, बाद में सब कुछ लेकिन ठीक भी हो जाएगा। अविवाहित जातक प्रेम संबंध में कोई भी नया रिश्ता बनाने से पहले आज सामने वाले को जोर परखें। आज आपके प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की चिंता उत्पन्न हो सकती है। आज किन केला खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग हरा रंग लकी नंबर 7 रहेगा। बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि में चंद्रमा 12वें स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपके मकान मालिक के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, तो यहाँ पर सावधानी बरतें। आज आपको संतान की तरफ से खुशी हो सकती है। परिवार में सकारात्मक वातावरण बनेगा। किसी पुरानी समस्या का अंत भी संभव है। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। साथ ही अपनी वाणी प्याज नियंत्रण भी रखें क्योंकि आज आपके लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं। ऑफिस में आपके सीनियर आपको किसी काम को लेकर आज उकसा सकते हैं। धैर्य से काम लें, यह एक सोची समझी साजिश भी आपके खिलाफ हो सकती है। व्यापार और धन की बात करें तो आज आपको व्यापार में हानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप पर व्यापार करते हैं तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाभ में ले जा सकते हैं। अगर अच्छी योजना बनाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे तो आप अपने हानि को लाभ में बदल सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा। पढ़ाई के अलावा अन्य चीजों में समय बर्बाद ना करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें।
शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका मन अशांत रहेगा। मेडिटेशन करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जो तक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दिल के रोगी हैं, उन्हें अपना ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी को समय दें और उनकी भावनाओं की कदर भी करें, इससे आपके प्रेम संबंधों में मिठास उत्पन्न होगी। प्यार की झार करने के लिए आज के अच्छा रहने वाला है। आज के दूध या दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ अंग नीला रंग, लकी नंबर 4 रहने वाला है। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप जो मेहनत आपने अपने बीते दिनों में किया है उसका फल आपको अब मिलेगा, जिसके कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज आप कोई भी नया कार्य करने के लिए प्रेरित भी रहेंगे और इस नए कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। नए लोगों से मिलना और दोस्ती होना संभव है। आपको कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी अगर बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो पारिवारिक समस्या सुधारने में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपके धैर्य में कमी आ सकती है, जिसके कारण आपके बने हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो आज अपने बात करने की क्षमता और काम करने की क्षमता से अपने व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे। आपके आय में बढ़ोतरी होगी। जो अब तक नौकरी कर रहे हैं उनके सीनियर अधिकारी उनसे प्रसन्न रहेंगे। आज किसी को कर्ज देने से बिल्कुल बचें। अगर कोई बहुत जरूरतमंद व्यक्ति ना हो तो उसे पैसे उधार दांव दें, ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप अपनी पढ़ाई के लिए अनुकूल स्थिति का अनुभव करेंगे, तो ऐसी स्थिति का लाभ जो उठावें, ज़्यादा ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। स्वास्थ्य की बात करें आज अपने खान पान का ध्यान रखें। पेट संबंधित किसी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तले भुने और मसालेदार खानों से दूर रहें। प्रेम संबंध की बात करें, छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी से आज उलझ सकते हैं। एक दूसरे से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह सब होने के बावजूद आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ समय बिताएं, इससे आपके प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे। आज के चांदी के बर्तन में खीर खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग हरा रंग, लकी नंबर रहने वाला 3। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।